हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक हॉलीवुड मूवी जिसका नाम है द मेन्यू। ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर कॉमेडी मूवी है जो रिसेंटली रिलीज हुई है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिसका नाम टायलर और मार्गरेट होता है। वो दोनों एक पोर्ट पर किसी बोट के इंतजार में होते हैं। वो लोग किसी बड़े रेस्टोरेंट में लेविश डिश टेस्ट करने के लिए जा रहे होते हैं जो एक फेमस शेफ द्वारा बनाई जा रही थी, और उनके साथ साथ बहुत सारी पॉश पार्टीज भी वहाँ पर जा रही होती है। और शिप पोर्ट पर अराइव होती है और सबके अंदर जाने के बाद एक डिश सर्व किया जाता है, और टायलर उसे खाने से पहले उसकी फोटो खींचता है। और बोट से उतरने के बाद एल्सा उन सबको वेलकम करती है जो उस रेस्टोरेंट के शेफ की राइट हैंड होती है। लेकिन मार्गोट वहाँ पर अनएक्सपेक्टेड थी, तब टायलर उसको क्लैरिफाई करता है। और तब फिर एल्सा मार्गोट को वेलकम करती है और उन सबको आयरन दिखाती है जो 12 एकड़ का होता है। और फिर एल्सा उन सबको स्मोक हाउस दिखाती है जहाँ पर वो मीट को 152 डेज तक स्टोर करके रखते हैं। और फिर आगे बढ़कर वो उन सबको उन सारे वर्किंग शेफ्स के बंकर को दिखाती है और कहती है कि यहाँ पर सारे शेफ एक फैमिली की तरह रहते हैं सिवाय हेड शेफ के। और फिर टायलर एक कॉटेज देखता है और एल्सा से उसके बारे में पूछता है। तब एल्सा उसे बताती है कि वो हेड शेफ का घर है और वो लोग भी वहाँ पर कभी जाने के लिए अलाउड नहीं थे। और वो सब रेस्टोरेंट में एंटर होते हैं जहाँ पर रिचर्ड और उसकी वाइफ पहले से ही बैठे हुए होते हैं, क्योंकि वो लोग वहाँ पर बहुत बार आ जा चुके थे। और वो सब वर्किंग शेफ्स को अपने टेबल्स के पीछे ही उन्हें खाना बनाते हुए देखते हैं। और जब मार्गोट एंटर होती है तब रिचर्ड और उसकी नज़र एक हो जाती है और रिचर्ड पता नहीं कि अनकम्फर्टेबल फील करने लगता है। उसके बाद एल्सा उन सारे कस्टमर्स से बोलती है कि वो उन शेफ्स को खाना बनाते हुए ऑब्जर्व कर सकती है लेकिन फोटो नहीं खींच सकते क्योंकि हेड शेफ को बुरा लगता है। और फिर एंट्री होती है हेड शेफ की जिसका नाम जूलियन सुल्विक होता है, और एल्सा उन्हें कुछ बताती है जिससे वो टायलर और मार्गोट की तरफ देखते हैं। और फिर सब कस्टमर्स को एक डेजर्ट सर्व किया जाता है वेलकमिंग बोनस के तौर पर। टायलर उस डेजर्ट की बहुत ही ज्यादा तारीफ करता है और खुद को एक बहुत बड़ा फूडी बताता है और शेफ जूलियन का एक फैन बताता है और खुद को ऐसे दर्शाता है जैसे कुकिंग का उसे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो। लेकिन मार्गोट को वो डिश कुछ खास नहीं लगती। और फिर बारी आती है मेन्यू की फर्स्ट कोर्स की जो उन शेफ द्वारा सर्व की जाती है जूलियन की स्टोरी के साथ। वो कहते हैं कि डिश को टेस्ट करो लेकिन खाओ मत। और पहले डिश का नाम होता है द आइलैंड, और टायलर उसकी स्पीच सुनकर इमोशनल हो जाता है और एल्सा के मना करने के बाद भी वो डिश की पिक्चर्स क्लिक करता है और सब अपने अपने कॉन्वर्जेशन के साथ खाना शुरू करते हैं। और जूलियन के क्लैप के साथ ही बारी आती है मेन्यू के दूसरे कोर्स की जिसके बारे में जूलियन बताता है कि ब्रेड एंशियंट टाइम्स से ही खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है लेकिन आज उन्हें ब्रेड नहीं मिलेगा। और दूसरे डिश का नाम होता है ब्रेडलेस ब्रेड प्लेट जिसे सर्व करने के बाद पहले तो सब बहुत हंसते हैं और मार्गोट को भी वो डिश कुछ खास पसंद नहीं आता और वो टेस्ट भी नहीं करती। और कुछ ही देर बाद 3 फाइनेंशियल ब्रोस जो होते हैं वो एल्सा से ब्रेड की डिमांड करते हैं और एक तरह से उसे धमकी देते हैं कि क्या वो उन्हें जानती है। तब एल्सा कहती है कि हाँ, लेकिन उन्हें ब्रेड नहीं देती। और थोड़ी देर बाद जूलियन मार्गोट के पास आता है क्योंकि वो कोई भी डिश खा नहीं रही थी और जूलियन को इसके बारे में बहुत बुरा लगता है। रिचर्ड की वाइफ रिचर्ड से पूछती है कि मार्गोट बार बार उसे क्यों देख रही है, क्या वो उसे पहचानती है। तब वो कहता है कि वो उसने उसे कभी नहीं देखा। और फिर बारी आती है मेन्यू के थर्ड कोर्स की जो जूलियन के स्पीच से शुरू होती है, और थर्ड कोर्स का नाम होता है द मेमोरी। और जूलियन अपनी मेमोरी सबके साथ शेयर करता है कि ट्यूजडे के दिन जब वो 7 साल का होता है तब वो अपनी माँ को देखता है जो कि वहाँ पर मौजूद होती है और ड्रिंक कर रही होती है। जूलियन बताता है कि एक दिन उसके फादर काफी ज्यादा ड्रिंक करके घर आए और उन्होंने जूलियन की माँ का गला टेलीफोन कोर से लपेट कर उन्हें मारने की कोशिश की। तब जूलियन ने अपनी माँ को बचाने के लिए उनके पैर में एक किचन सीजर स्टैप कर दिया। और फिर तभी थर्ड डिश सर्व किया जाता है स्मोक चिकन में सीजर स्टैप करके, और उसके साथ साथ लेजर प्रिंटिंग एनग्रेविंग मशीन से प्रिंटर टोर्टिया जो रोटी जैसी चीज होती है और उसे टाकोस भी कहा जाता था, और उन टाकोस पर उन कस्टमर्स के काले चिट्ठे प्रिंटेड होते हैं। और तब हमें उस रेस्टोरेंट में उनके होने के रीजन पता चलता है। पहले लिलियन उन टाकोस को देखती है जिसमें उसके बैड रिव्यूज की वजह से उसने ना जाने कितने रेस्टोरेंट्स को बंद करवा दिए थे और वही सब उसमें प्रिंटेड होता है। और टायलर के टाकोस पे उसके बार बार डिशेज के फोटोज खींचने की पिक्चर्स बने हुए थे, और उस फिल्मी एक्टर के टाकोस पर उसकी मूवी सनशाइन की पिक्चर बनी हुई थी, और उन 3 फाइनेंशियल ब्रदर्स के टाकोस पर उनके कंपनीज के डॉक्यूमेंट्स छपे हुए थे कि किस तरह से उन्होंने ना जाने कितने फ्रॉड से कितने कंपनीज हथिया लिए। और वो शॉक्ड हो जाते हैं कि शेफ को ये सब कुछ कैसे मिल गया। और तब वो एल्सा को बुलाकर उसके बारे में पूछते हैं कि वो सब उन्हें कहाँ मिला। तब एल्सा उन्हें बताती है कि शेफ अपने प्लान्स के बारे में किसी को कुछ नहीं बताते, और वो एल्सा को धमकी देते हैं कि कल सुबह तक वो उनका रेस्टोरेंट बंद करवा देंगे उनके इस गुस्ताखी के लिए। तब एल्सा स्माइल करके बोलती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट रिचर्ड की वाइफ जब अपने टैकोस के पिक्चर्स को देखती है तब उसमें रिचर्ड के साथ साथ एक यंग लड़की होती है,
और जब वो रिचर्ड के इसके बारे में पूछती है तब रिचर्ड की जुबान लड़खड़ाती है और वो कहता है कि ये कोई जोक है। और दूसरी ओर टाइलर को लगता है कि उसने कोई गलती कर दी और वो अपोलोजाइज करना चाहता था, लेकिन मार्गोट को ये सब कुछ बकवास लग रहा था और वो रेस्टोरेंट के एक स्टाफ को इसके बारे में पूछने की कोशिश करती है, लेकिन टाइलर तब उसे रोकता है और उससे बहुत बदतमीजी से पेश आता है और तब मार्गोट को बहुत बुरा लग जाता है और मार्गोट वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बंद होता है। और तभी एल्सा उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रही है, तब वो कहती है कि वो उसे वॉशरूम जाना है और वो वॉशरूम के अंदर जाकर खड़ी होकर स्मोक करने लगती है। और तभी उसे खिड़की से बाहर एक आदमी दिखता है जिसके पास आर्टिफिशियल पंख होते हैं और पता नहीं वो क्या करने जा रहा था। तभी जूलियन वॉशरूम के अंदर आ जाता है और मार्गोट से पूछता है कि वो खाना क्यों नहीं खा रही है। तब मार्गोट कहती है कि उसे भूख नहीं है और तब जूलियन उससे पूछता है कि वो कौन है, तब वो कहती है कि वो मार्गोट है। तब जूलियन उससे कहता है कि उसे वहां पर नहीं होना चाहिए था। और फिर बारी आती है मेन्यू की फोर्थ कोर्स की और जूलियन इंट्रोड्यूस करता है जेरेमी को जिसने फोर्थ डिश बनाया होता है और उस डिश का नाम द मैस होता है। और जूलियन जेरेमी के बारे में बताता है कि जेरेमी एक टैलेंटेड शेफ है और जेरेमी उसके जैसा बनना चाहता है और उसके जॉब को भी अफोर्ड करना चाहता है और उसकी पोजीशन को भी, लेकिन ये वो कभी नहीं कर पाएगा। तब जेरेमी यस बोलता है और जब जूलियन कहता है कि क्या वो उसकी तरह लाइफ जीना चाहेगा, तब वो कहता है कि नो और अपने आप को रिवॉल्वर से शूट कर लेता है और सारे कस्टमर्स पैनिक हो जाते हैं और जूलियन कहता है कि ये सब मेन्यू का एक पार्ट था। और उन्हें फोर्थ डिश सर्व की जाती है और डर के मारे सारे कस्टमर्स खाने लगते हैं। और ये सब कुछ देखने के बाद रिचर्ड घर जाने के लिए निकलने लगता है, तब एल्सा उसे कहती है कि वहाँ पर बोट मौजूद नहीं है। तब वो कहता है कि वो हेलीकॉप्टर मंगवा लेगा और जब वो एल्सा के मना करने के बाद भी नहीं मानता तब एल्सा उसके लेफ्ट रिंग फिंगर कटवा देती है, जिससे सब फिर बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, लेकिन टाइलर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपना खाना कंटिन्यू ही रखता है। और लिलियन को लगता है कि ये सब बहुत इनक्रेडिबल है और ये उनके बेनिफिट के लिए था। तभी तो जूलियन ने उन्हें टेक्स्ट करके वहां पर इनवाइट किया था। और फिर टाइलर जेलस होता है जब एल्सा मार्गोट को अपने साथ जूलियन के पास लेकर जाती है और जूलियन फिर से मार्गोट से पूछता है कि वो कौन है। मार्गोट वही जवाब फिर से देती है और फिर जूलियन कहता है कि जितने भी कस्टमर्स यहां पर इनवाइटेड थे सब एक प्लान के हिसाब से इनवाइटेड थे और वो सारे प्लान के मेन्यू को बर्बाद कर रही है और वो कहता है कि आज यहां पर मौजूद सारे लोग मरने वाले हैं। तो वो डिसाइड करे कि वो रेस्टोरेंट स्टाफ के साथ मरना चाहेगी या फिर उन लोगों के साथ में मरना चाहेगी। और जूलियन मार्गोट को 15 मिनट्स का टाइमर देकर उसे अपना फैसला सुनाने के लिए बोलता है। और जब मार्गोट अपने टेबल के पास पहुंचती है तब वो टाइलर को एक जोर का तमाचा मारती है और खुद भी रोने लगती है। और थोड़ी देर बाद जूलियन लिलियन के पास आता है और कहता है कि उसके रिव्यूज ने ना जाने कितने शेफ्स की जिंदगी बर्बाद कर दी होगी और ना जाने कितने ही लोगों की रोजी रोटी छीनी होगी और उसने कितने सारे होटल्स और रेस्टोरेंट्स बंद करवा दिए हैं, क्या उसे अंदाजा है। और फिर जूलियन रिचर्ड के पास जाता है और उससे पूछता है कि वो उस रेस्टोरेंट में कितनी बार आ चुका है, तब वो कहता है कि 6 या 7 बार। तब जूलियन कहता है कि वो 11 बार वहां पर आ चुका है लेकिन उसे वहां पर खाए हुए एक भी डिश याद नहीं होती, जिससे जूलियन को बहुत ही ज्यादा इंसल्ट फील होता है। और फिर उन 3 फाइनेंशियल ब्रोज में से एक आदमी कहता है कि ये उसका रेस्टोरेंट नहीं है। तब जूलियन कहता है कि हाँ वो उसका रेस्टोरेंट नहीं है, वो डो वेरिक का रेस्टोरेंट है। और वो कहता है कि उसे भी उसकी मेन्यू पसंद नहीं आई। और तब हम वेरिक को देखते हैं जिसका वो पूरा रेस्टोरेंट होता है, जिसे पंख लगाया गया था और जूलियन के एक इशारे पर उसे पानी में डुबाकर मार दिया जाता है। पूरी स्टाफ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है उसे डुबाकर। तभी मार्गोट का टाइमर खत्म हो जाता है और एल्सा मार्गोट को जूलियन के ऑफिस में भेजती है। और तब मार्गोट को पता चलता है कि जूलियन को उसके बारे में पहले से ही सब कुछ पता होता है कि वो एक प्रोस्टिट्यूट है। और वो ये बताती है कि रिचर्ड उसे ये कहकर ले गया था कि वो उसकी बेटी जैसी दिखती है। और जूलियन कहता है कि क्या उसे ये सब कुछ करना पसंद है, तब वो खाली मन से कहती है हाँ। और वहां से आने के बाद जूलियन सबको रेस्टोरेंट के बाहर लेकर जाता है नेक्स्ट कोर्स के लिए, जो शेफ कैथरीन ने प्रिपेयर किया होता है। और कैथरीन बताती है कि 3 साल पहले जूलियन ने उसका रेप करने की कोशिश की थी और तब उसने उसे रिफ्यूज कर दिया, लेकिन जूलियन ने उसे वहां से नहीं निकाला, कभी बात नहीं की। और फिर वो जूलियन के पैर में एक सीजर स्टैप कर देती है और जूलियन कैथरीन से सॉरी बोलता है और कहता है कि आज सारे मेंस को हंट किया जाएगा और उनके पास सिर्फ 45 सेकंड्स है भागने के लिए। और सारे लेडीज को अंदर भेज दिया जाता है और उन्हें 6th डिश सर्व किया जाता है, जिसकी लिलियन बहुत ही ज्यादा तारीफ करती है और कैथरीन इमोशनल हो जाती है। और कैथरीन उनसे बताती है कि आज रात सब मरने वाले हैं और सबके मरने का प्लान ये कैथरीन का होता है, क्योंकि अगर सब नहीं मरेंगे तो मेन्यू कम्प्लीट नहीं होगा। और तब मार्गोट बताती है कि उसका असली नाम इरिन है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सारे रेस्टोरेंट स्टाफ उन सारे मेंस को पकड़ कर ले आते हैं। और तब जूलियन टाइलर के पास आता है और तब हमें पता चलता है कि टाइलर को ये सब कुछ पता होता है कि सब उस दिन मरने वाले थे और वो जानबूझकर मार्गोट को वहां पर लेकर आया था ताकि मार्गोट भी उनके साथ में मारी जाए।
और हमें ये भी पता चलता है कि टायलर की गर्लफ्रेंड से टायलर का ब्रेकअप हो गया था, इसलिए उसने मार्गरेट को हायर किया था और वहाँ पर लेकर आया था। मार्गरेट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो टायलर को और भी ज्यादा पीटती है, और जूलियन टायलर से जबरदस्ती कुक करवाता है उसका मजाक उड़ाने के लिए, और जूलियन टायलर के वेजिटेबल कटिंग के स्टाइल पे भी मजाक उड़ाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि टायलर ने शायद कभी खाना ही नहीं बनाया होता, और टायलर एक झूठा होता है। और जब जूलियन टायलर की बनाई हुई डिश टेस्ट करता है तब उसकी बहुत निंदा करता है और उसके कान में कुछ बोलकर उसे वहां से भेज देता है। और फिर उनके फाइनल कोर्स से पहले जूलियन मार्गरेट को बुलाता है और उससे उसके स्मोक हाउस से एक ड्रम मंगवाता है जो डेजर्ट बनाने के काम में आता। और जूलियन एल्सा से मार्गरेट को स्मोक हाउस के कमरे की चाबी देने के लिए बोलता है, और जब मार्गरेट वहां से निकलती है तब वो टायलर के लाश को जूलियन के ऑफिस में लटकते हुए देखती है। और तभी जूलियन अपने फाइनल कोर्स के बारे में लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहा था कि तभी वो फिल्म स्टार जूलियन को बीच में टोक देता है और कहता है कि उसे क्यों पनिशमेंट दी जा रही है, उसे जानना है। और जूलियन कहता है कि संडे के दिन उसे एक ही छुट्टी मिलती है, और तब वो सिनेमा घर गया था उसकी फिल्म देखने के लिए द सनशाइन। उसे वो बहुत बुरी लगी और उसका चेहरा उसे बार बार हॉन्ट करता है और इसीलिए उसे पनिशमेंट दी जा रही है। और उसकी असिस्टेंट फेलिसिटी बेचारी बेवजह ही मारी जाती है क्योंकि वो अमीर है। जब मार्गरेट स्मोक हाउस में जाती है तब उसे एक नाइफ मिलती है और वो उसे उठा लेती है, और फिर बाद में वो जूलियन के घर में घुसने की कोशिश करती है, और तभी एल्सा वहाँ पर पहुँच जाती है और मार्गरेट का चाकू उठाकर उस पर ही अटैक कर देती है, ये कहकर कि वो उसकी जगह लेना चाहती है। और हाथापाई में मार्गरेट गलती से एल्सा के गले में उस चाकू को स्टैब कर देती है और एल्सा की वहीं पर मौत हो जाती है, जबकि एल्सा उसे ड्रम के बारे में ही कुछ बता रही होती है। मार्गरेट जब जूलियन के कमरे में जाती है तब उसे जूलियन के अचीवमेंट्स और अवार्ड्स दिखते हैं, लेकिन सब फोटो में वो उदास और गुस्से में दिखता है सिवाय एक फोटो के, जब वो किसी मामूली स्ट्रीट रेस्टोरेंट में बर्गर बनाते हुए उसे एक पुरस्कार मिला था। और तभी मार्गरेट को एक रेडियो नजर आता है और वो उसी के जरिए हेल्प मांगने की कोशिश करती है। और जब वो रेस्टोरेंट में वो ड्रम लेकर एंटर होती है उसके थोड़ी देर बाद ही वहां पर एक ऑफिसर एंटर होता है। उसके पहले रेस्टोरेंट स्टाफ सबको क्लीन कर देते हैं और जूलियन सबसे कहता है कि वो इंसान उनकी मदद नहीं कर पाएगा, बेहतर होगा कि वो अपना मुंह बंद रखे। और जब वो ऑफिसर वहां पर आता है और वो उस फिल्म स्टार से ऑटोग्राफ लेता है और उस फिल्म स्टार ने सिर्फ उसमें हेल्प मी लिखा हुआ होता है, और उन्हें लगता है कि वो ऑफिसर उनकी मदद करेगा क्योंकि उसने जूलियन को घुटनों पर ला दिया था, और वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि अब वो बच जाएंगे। लेकिन जब वो रिवॉल्वर से कैंडल जला देता है तब सबको बहुत ज्यादा शॉक लग जाता है क्योंकि तब उन्हें पता चलता है कि वो कोई रिवॉल्वर नहीं बल्कि लाइटर है और वो उसी रेस्टोरेंट स्टाफ का ही मेंबर होता है। तब सबकी उम्मीद बिल्कुल टूट सी जाती है। और फिर जूलियन मार्गरेट के पास आता है और कहता है कि वो एक धोखेबाज है और उसने उसका ट्रस्ट तोड़ा है और इसके लिए उसको भुगतान करना पड़ेगा। और सारे शेफ अपनी फाइनल कोर्स की तैयारी कर रहे होते हैं कि तभी मार्गरेट एक क्लैप करके खड़ी हो जाती है और कहती है कि उसे उनका बनाया हुआ खाना एक भी पसंद नहीं आया, और उसे फील हुआ कि उनके द्वारा बनाया गया सारा खाना ऑब्सेशन से बना है, प्रेशर से बना है, प्यार से नहीं। और वो कहती है कि वो अब तक भूखी है। तब जूलियन मार्गरेट से पूछता है कि वो क्या खाना पसंद करेगी। तब मार्गरेट जूलियन से कहती है कि वो सिर्फ एक अमेरिकन चीज बर्गर खाना चाहती है। और ये सुनते ही जैसे जूलियन की आंखें ही उभर आई और वो बड़े प्यार से मार्गरेट के लिए अमेरिकन चीज बर्गर तैयार करता है एक स्माइल के साथ और मार्गरेट को लाकर देता है। मार्गरेट जब उसे टेस्ट करती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, उसे बहुत पसंद आता है, और उसे खुश देखकर जूलियन भी खुश हो जाता है क्योंकि पहली बार कोई कस्टमर इतना खुश था और सेटिस्फाइड था। जूलियन फ्राइज़ चीज बर्गर मार्गरेट के लिए पैक कर देता है गिफ्ट पैक के तरह, और फिर मार्गरेट उस बर्गर का दाम पे करके चली जाती है। और तब मार्गरेट वहां से निकल जाती है एक बोट से, और तब तक सारे शेफ फाइनल कोर्स की तैयारी कर चुके थे जिसका नाम होता है द स्मोर। स्मोर तीन इंग्रेडिएंट से बना होता है, मार्शमैलो, क्रैकर्स और चॉकलेट, और इन्हीं तीन चीजों का इस्तेमाल किया गया था उनके फाइनल कोर्स के लिए। वो मार्शमैलो का जैकेट अपने सारे कस्टमर्स को पहना देते हैं और चॉकलेट का हैट, और सारे क्रैकर्स वो जमीन पर बिखेर देते हैं वाइन के साथ में, और स्मोर्स में कैंप फायर भी इंक्लूड किया गया था। जूलियन अपने बाकी के कस्टमर से बिल पे करवाना नहीं भूलता और टिप्स की बातें भी करता है। सारे कस्टमर्स फिर बाद में अपने कार्ड से उसका बिल पे करते हैं। जूलियन अपने हाथ में जलता हुआ कोयला ले लेता है और उसे वहीं पर फेंक देता है, और पूरे रेस्टोरेंट में आग लग जाती है और सब वहीं पर जलकर राख हो जाते हैं, रेस्टोरेंट स्टाफ और बाकी सब भी। जूलियन ने इस तरह से अपने लाइफ बर्बाद करने वाले हर इंसान को पनिशमेंट दी, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी, क्योंकि जूलियन को लगता था कि पूरी लाइफ वो सबको इंप्रेस करने में जुटा था लेकिन कोई सेटिस्फाई कभी नहीं हुआ, और इसलिए वो हमेशा घुट घुट के फ्रस्ट्रेटेड रहता था। और इसलिए उसने डिसाइड किया कि जिसने भी उसकी जिंदगी बर्बाद की वो उन सबको पनिशमेंट देगा और वो खुद को भी पनिशमेंट देगा,
और वहाँ पर मौजूद सारे रेस्टोरेंट स्टाफ जूलियन के लाइफ से इत्तेफाक रखते थे, इसलिए उन लोगों ने भी डिसाइड किया कि वो भी जूलियन की तरह ही मर जाएंगे। और एट द एंड हम देखते हैं कि मार्गोट बोट से बहुत दूर निकल चुकी है और वो बोट पर ही बैठकर अपना चीज़बर्गर खा रही होती है और दूर से ही उस होटल को जलते हुए देखती है, और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।